नमस्कार दोस्तों, गौरिस्का होम में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने ये आधा किलो मठा ले लिया है, आप इसे टेस्ट करके देखिए, और अगर खट्टा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालूँगी, एक छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, एक बड़ा चम्मच बेसन डालूंगी इसमें। बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए फ्रेंड्स। बेसन मठे में अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए, बिल्कुल भी बेसन के लम्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद मैं फ्राई करने की तैयारी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख कर इसमें थोड़ा सा घी डालकर राई मेथी हींग से उसको फ्राई कर दिया है, फिर कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें जो बेसन मठा में जो बेसन घोला हुआ था उसको डाल दिया है, देखिए इस तरीके से। अब आपको चलाते रहना है जब तक कि कढ़ी में उबाल ना आए, आपको कढ़ी को कंटिन्यू चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ये इसका बेसन नीचे बैठ जाता है जो कढ़ाई में चिपक जाता है, जिससे कढ़ी का टेस्ट बदल जाता है। कुछ कड़ी पत्ते मैंने ऐसे ही इसमें ऐड कर दिए हैं जो बिना फ्राई किए हुए हैं, मैंने पहले भी बचा लिए थे इनको। आप इसको इस तरीके से इसमें ऐड करके देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। आपको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है कढ़ी को। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कढ़ी में उबाल आ गया है और अच्छी तरह से उबलने भी लगी है। तो आपको अब गैस सिम कर देना है, तेज़ नहीं रखना है, आप बीच बीच में इसको चलाते रहिए। हमने कढ़ी को पहले ही फ्राई कर दिया था तो अब इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको 5 से 10 मिनट के बीच में ही अच्छे से उबालना है इसको। उबालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें बेसन का स्वाद आता है। अब मैंने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए हैं, पकौड़े की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, ताकि ये सॉफ्ट रहें और बहुत ही टेस्टी भी। पकौड़े डालने के बाद हमको इसको थोड़ी देर और उबालना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कढ़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है ये कढ़ी आपकी और सबको पसंद आने वाली है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से चिली फ्लेक्स, अगर आप चटपटी कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ये ज़रूर ऐड करिए, और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। तो देखिए तैयार है आपकी कढ़ी।